एक महिला का घर के कार्यों में व्यस्त रहना, परिवार की देखभाल और बच्चों के पालन पोषण में व्यस्तता के साथ एक गृहिणी में और भी बहुत से गुण होते हैं, जिससे कि वह इन गुणों के साथ अपना नाम और शोहरत भी बना सकती है। ऐसे ही एक प्लेटफॉर्म गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 की प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, जिसमें देश भर से करीब 300 गृहिणी महिलाओं ने इस प्रतियोगिता के तहत आवेदन किया, जिसमें ऑडिशन के बाद 100 गृहिणी महिलाओं को प्रतियोगिता के लिए सिलेक्शन किया गया और उसके बाद फाइनल प्रतियोगिता में 50 गृहिणी महिलाओं ने अपनी योग्यता के अनुसार क्राउन की हकदार बनी। दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित एक होटल में गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। इसमें गोल्ड सिल्वर के अलावा तमाम कैटेगरी के तहत गृह लक्ष्मी मिसेस इंडिया 2022 का ताज पहनाया। इस अवसर पर कई गाने माने सेलिब्रिटीज ने भाग लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये सभी गृहिणी महिलाएं वैसे तो गृहिणी हैं, लेकिन इनकी योग्यता ने इन्हें ताज का हकदार बना दिया। जूरी मेंबरों द्वारा किए गए सिलेक्शन के आधार पर महिलाओं को मंच पर बुलाकर उनका सम्मान किया गया और इसके साथ ही उनके भविष्य के लिए और अच्छा करें इसके लिए भी कामना की गई। आइए सुनते हैं इस मौके पर अतिथियों ने क्या कहा। गृहलक्ष्मी मिसेज इंडिया 2022 हमने लॉन्च किया है विद द सिंपल गेम। हम विमेन हाउसवाइफ्स को इंस्पायर करना चाहते हैं टू एस्पायर एंड वी वांट देम टू कम आउट एंड शाइन ब्राइट। वी वांट देम टू अचीव, सबके अंदर कोई ना कोई एक ड्रीम होता है, सो वी गिविंग देम दिस प्लेटफॉर्म टू कम आउट एंड शो देयर पोटेंशियल द बेस्ट। सो गृहलक्ष्मी इज़ अ लाइफ स्टाइल मैगजीन, जैसे आपको पता है गृहलक्ष्मी में हम लोग बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स, विमेन ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। सो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम उनको ब्यूटी, हेल्थ, फिटनेस, हर चीज़ के बारे में बताते हैं, गाइड करते हैं, मास्टर क्लासेस करा रहे हैं, सो दैट उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, जो उनके अंदर छिपी हुई सबके अंदर एस्पिरेशंस होती हैं उसको एक शेप दें। कितने महिलाओं ने अप्लाई किया था और कितने आज जो है कि आवाज़ मिली? सो वी हैड ओवर 300 odd applications एंड उसके बाद हमने अपना ऑडिशंस करें ऑल इंडिया एंड उसके शॉर्टलिस्ट करते करते हमारे पास 100 आए, देन वी डिड सम लाइव ऑडिशंस एंड फिर हमने 50 शॉर्टलिस्ट करके निकाले। कोई एज क्राइटेरिया भी रहा? हाँ जी, एज क्राइटेरिया है ऑफकोर्स मैरिड वुमेन के लिए है 25 years and above until 50 years. सो बेसिकली आए, पहले तो मुझे आइडिया नहीं था, जो बाद में पता चला कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर जैसे कि इन्होंने बताया, नॉट जस्ट यू अनमैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन जिनको मौका नहीं मिल पाता है कुछ शोकेस करने का, जिनमें जिनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी अपना बिल्डअप करने का, एक एक उनके आई गेस कहीं ना कहीं छोटे छोटे सपने होते हैं जो ये लोग पूरे कर रहे हैं। तो मुझे जब पता चला, ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल कि आज मैं यहाँ पर आ पाई, ऑनेस्टली आई एम जस्ट नॉट सेइंग, मुझे मैं आई कुडंट स्टॉप स्माइलिंग इन सबको देखकर। मुझे ऐसा लगा कि लुक एट देम, मतलब अपने घर से निकल के जो 4 दिन इन्होंने उनको दिए हैं ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं खुद को गृह लक्ष्मी से ऐसे जोड़ती हूँ क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ जी, कहीं ना कहीं मुझे भी, मैं भी एक एक्टर बनने का मैंने भी सपना ही देखा था, तो वैसे ही उनका भी सपना है कि एक बार हम इन लोगों के सामने वॉक करें या एक बार बात किया, ऐसी ऐसे कपड़े पहने या ऐसे बाल बनाए या ऐसा मेकअप करें। ये तो छोटे छोटे सपने थे जो मिलकर इतना बड़ा ये बन गया और उनके सारे सपने इन्होंने पूरे किए, वैसे ही मेरा भी सपना पूरा हुआ था, तो आई कैन रिलेट विद देम लाइक दैट। जिस तरह महिलाओं में अलग अलग गुण और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है, गृह लक्ष्मी मिसेज इंडिया 2022 इवेंट द्वारा गृहणियों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।